सो हेलो एवरीवन, गाइस हर है महादेव, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? गाइस आई होप आप सभी लोग अच्छे, अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ। आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, ओके, अगले 3 महीनों का समय आपके लिए कैसा रहेगा, मीन्स अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो ये टाइम है, ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट पायल है कम्युनिटी कार्ड, आप अपने लिए पायल पिक कर लीजिए पहले, ओके। फर्स्ट पायल अगर आपने चूज़ करनी है, अगर आपको इजीली चूज़ करनी है ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। फर्स्ट पायल अगर आपके इसमें से बर्थ मंथ आते हैं तो ऑफकोर्स आप फर्स्ट पायल पिक कर लो। सेकेंड पायल है यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन कार्ड, और अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, तो आपके लिए सेकेंड पायल है, ओके। सो दोनों ही पायल्स आपके सामने हैं, आपकी विश है, आप चूज़ कर लीजिए अपनी ऑप्शन को, ओके। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दो, एंड प्लीज़ लाइक करके जाना इस रीडिंग को, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टाइम्स शाम्स के जस्ट ऊपर, या फिर आप लोग ऊपर अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो, ओके। सो स्टार्ट, बात कर लेते हैं गाइज आपकी रीडिंग को फर्स्ट पायल से। सो फर्स्ट पायल गाइज यहां पे फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से आता है तो आपके लिए फर्स्ट पायल थी, ओके। या फिर गाइज आपने यहाँ पे कम्युनिटी कार्ड को पिक किया है, चूज किया है, ओके। सो यस, फर्स्ट पायल आपके लिए ही है। तो देख लेते हैं गाइस आपके लिए ये जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है, मीन्स आपके लिए जो मंथ्स आ रहे हैं इसमें गाइस, वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 3 महीने का समय है ये, ओके। सो कैसे रहेंगे 3 मंथ्स आपके लिए, ओके। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पायल है ना गाइस, आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशंस मुझे दिख रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हुए आप लोग दिख रहे हो, चाहे वो बर्थडे पार्टीज हैं, मैरिजेस हैं, कुछ भी फंक्शंस हैं, सेलिब्रेशंस, कुछ भी यहाँ पे, बट हाँ आप लोग अच्छे से उसको इंजॉय कर रहे हो, फुल मस्ती में हो आप लोगों के। सो फर्स्ट पायल यहाँ पे यही एनर्जीज आपके लिए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो भी मॉडलिंग का यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं, आपका पैशन है कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, या आपको बस पसंद है अच्छे अच्छे ड्रेसेस डालना, तो वो सब चीज़ें आप लोग कर पा रहे हो, ओके। आने वाले 3 महीनों में आपका ये ड्रीम पूरा हो सकता है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को लर्न करना सीखना चाहते हैं, मतलब लर्न करना चाहते हैं, यस वो लोग भी पॉसिबल है ये सब चीज़ें आपके लिए, ओके। एंड यहाँ पे आप अपने कॉलीग्स के साथ, अपने जो कज़न, सिस्टर्स, ब्रदर्स, उनके साथ आप लोग इंजॉय करना चाहते हो, यस वो सब चीज़ें भी आप लोग कर पा रहे हो यहाँ पे, ओके। 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और यस आपकी कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली आने वाले समय में, ओके। 3 महीने का समय आपकी कम्युनिटी के रिगार्डिंग है, आपकी कम्युनिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके लिए, ओके। सो गाइस सबसे पहले मैं आपके लिए क्या देखूंगी अभी इस टाइम, कि आपके लिए कौन से साइन, कौन सा जोडिक साइन, कौन सा हाउस, कौन सा प्लैनेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस 3 मंथ्स में नेक्स्ट, ओके। सबसे पहले मैं यही कार्ड लूंगी, कौन सा मंथ, सॉरी मंथ कह रही हूँ, पहले गाइस मंथ में आपके लिए एक्वेरियस साइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ओके। जो अक्टूबर का महीना है ना, आप बहुत फेमस हो सकते हो इस मंथ में, आप बहुत दूर दूर तक आपकी बातें पहुंचने वाली हैं, ओके। आप बहुत आपका नाम होने वाला है, नेम फेम आप चाहते थे, यस आपको मिल जाएगा, आप फेमस भी हो सकते हो, सोशल मीडिया ऐप्स पे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। एंड यस मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप फुल इन्जॉय कर रहे हो इस टाइम को, ठीक है। आपको प्रॉफिट्स बहुत सारे होते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर मंथ में फर्स्ट पायल, एंड यस दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रिबीलियस, आइडलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ओके। सो आप टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रा अपने एफर्ट्स डालने वाले हो, फ्रीडम लवर हो आप, ठीक है। आपको आज़ादी पसंद है, और यस वो आज़ादी आप फील करने वाले हो इस अक्टूबर मंथ में, एंड आपको बहुत सारे आइडियाज़ इस अक्टूबर मंथ में आने वाले हैं, ठीक है।
एंड आप थोड़ा सा रिबेलियस एनर्जीज के भी हो, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, चाहे कोई आइडिया के रिगार्डिंग ही आपके कुछ अपोजिट बोल रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे। आप थोड़ा सा होता है ना लड़ने झगड़ने वाली एनर्जीज, वो यहाँ दिख रही हैं मुझे। बाकी आपके लिए नवंबर के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ क्या है, ठीक है। वर्गो, ओके। सो ये समय है गाइज अपने वर्क के ऊपर फोकस करने का, अपनी ड्यूटीज को निभाने का। दिस द एनर्जी अराउंड यू इज ड्यूटीफुल, हैजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग डिलीजेंट एंड पेन्स चेकिंग ईयर। मैं यहाँ पे बस आपको यही कहना चाहूंगी, ये जो सिक्स हाउस होता है ना वर्गो साइन, वर्गो राशि वाले, वो दान पुण्य बहुत करते हैं, उनको बोला भी जाता है थोड़ा दान पुण्य करो। ओके, सेकेंड चीज़, आपको अपनी ड्यूटीज निभाना बहुत पसंद होता है, और यस आपको बोला भी जाता है कि अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ओके, एंड थर्ड चीज़ यहाँ पे जो वर्गो साइन वालों के लिए होती है वो ये है कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है डोनेशंस करो, दान पुण्य करो। बट हाँ, ये भी आपको कहा जाता है कि लोन वगैरह अगर ले लो ही मत ज़्यादातर, ठीक है। सिक्स हाउस जिनका भी इम्पोर्टेंट ग्रह वहाँ बैठ गया कोई, तो आपको कहा जाता है कहीं ना कहीं आपको लोन वगैरह तो लेना ही नहीं चाहिए, या अगर वहाँ अच्छे ग्रह बैठे तो वो चुकता करवा जाएंगे, पर अगर नहीं तो वो, ठीक है, समझ रहे हो। सो यस, जो दिसंबर का महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सा साइन वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे फोर्थ चक्र है, दिसंबर मंथ बहुत पॉजिटिव है, बहुत फाइनेंशियल गेन्स आपको होने वाले हैं, आपका होम आपको बहुत अच्छा एनर्जीज प्रोवाइड करने वाला है। ओके, द होम एंड द रूट्स ऑफ योर बींग। सो यस, आपके घर में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, घर में हैप्पीनेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आपके, और यस कोई बेबी न्यूज आपको देखने को मिल सकता है दिसंबर में। ओके, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली में बहुत आप फैमिली टाइम बिताने वाले हो, आपके घर में आप बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हो अपनी फैमिली के साथ आप। ओके, एंड कैप्रिकॉन, ये तीनों ही महीने बहुत हार्डवर्क मांग रहे हैं आपको, और यस आपको कहा जा रहा है प्लीज डू हार्डवर्क, एंड यस अगर आप कर रहे हो हार्डवर्क तो यस आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं 3 महीने ये। ओके, एंड आपका हार्डवर्क यहाँ पे ऑफ भी होगा, बट हाँ, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। ओके, सो यस, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक आप होते हुए दिख रहे हो पैसे वाइज, ठीक है। सो मैं गाइज अभी टैरोट के थ्रू देखूंगी, इसको मैं उठा लेती हूँ ना इन कार्ड्स को, सो दैट मैं टैरो के थ्रू अब देख पाऊँ आपके लिए कैसे रहेंगे गाइस आपके 3 महीने। ओके, पहले मैं दो कार्ड्स लूंगी अक्टूबर के लिए, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ओके, दो दो कार्ड्स लूंगी सो दैट अच्छे से हम इस रीडिंग को प्रोवाइड कर पाएं। सो पहले तो देख लेते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, ग्रेट। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और मिड ऑफ द मंथ, सॉरी नवंबर कैसा रहेगा। ओके, नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लास्ट कार्ड इज नवंबर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, अमेजिंग एनर्जीज इज देयर। एंड यहाँ पे दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा फर्स्ट पाइल आपके लिए। ओके, थ्री ऑफ सोर्स एंड सेकेंड कार्ड इज दिसंबर का महीना। ओके, यहाँ पे फूल कार्ड है, वाओ। बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे है द एम्प्रेस, और मिडिल एनर्जीज क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल। 100% जो ओवरऑल इन 3 महीनों की एनर्जीज है ना, वो ये हैं, अबंडेंस अबंडेंस एंड अबंडेंस। ओके, पैसा पैसा पैसा, मटेरियलिस्टिक एनर्जीज ही यहाँ पे मुझे दिख रही हैं जो ओवरऑल। ओके, एक तरह से, एंड जो भी लोग फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, मैंने आपको बोला भी है कि आप अपने घर की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिख रही हैं अपने फैमिली के साथ, आप वैसे दिसंबर की एनर्जीज थे, बट हाँ ओवरऑल एनर्जीज जो इन 3 महीनों की वो ये हैं कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आप लोग टाइम बिता पा रहे हो, बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हो अपने टाइम को उनके साथ, ठीक है। कुछ लोग फर बेबी अडॉप्ट करने वाले हैं 3 महीनों में, बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रहे हैं इस 3 महीनों की, एंड येस आप लोग ग्रोथ आपको दिख रहे, जो भी लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको प्रेगनेंसी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, चाहे खुद के लिए चाहे किसी के लिए भी, बट हाँ यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओके,
एंड अगर स्टेबिलिटी चाहते थे ना गाइस, तो यस वो स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलने वाली है. स्टेबिलिटी आपको मिलते हुए दिख रही है, ठीक है. एंड ऑल्सो टॉरस साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है. ओके, अब मैं बताती हूँ आपको अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा. ये दिख रहा है मुझे गाइस कि हाँ, अक्टूबर मंथ में आपके लिए कहीं ना कहीं लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आते हुए दिख रहे हैं, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है. जो भी लोग सिंगल हैं वो मिंगल होने के लिए रेडी हैं और उनको बहुत ओवरफ्लो लव यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है. ओके, और जो रिलेशनशिप में है उनको तो बहुत ओवरफ्लो लव मिल ही रहा है. आपकी तरफ अक्टूबर मंथ में बहुत सारी फाइनेंशियल ऑफर्स आने वाली हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड में हो, चाहे जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए. बट हाँ, आपको ऑफर्स मिलने वाली हैं. लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे, कि यस ये एग्ज़ाम अब होने वाला है इस टाइम तक, तो उस टाइम तक आप प्रिपरेशन करो और फॉर्म फिलअप करो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़. ओके, बिजनेस में गाइस कि यस ये न्यू चीज़ें आई हैं, अब इसको परचेज करो एंड यस इससे प्रॉफिट कमाओ. एंड यस प्रॉफिट आपके, आपको बहुत सारे न्यू कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है. सो अक्टूबर का महीना तो बहुत पॉजिटिव फाइनेंशियली भी और लव लाइफ के रिलेटेड भी. ओके, मिड ऑफ द मंथ कैसा रहे, सॉरी मिड ऑफ द मंथ बोल रही हूँ, सो सॉरी, नवंबर का महीना कैसा रहेगा गाइस. ओके, तो ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन्स, बहुत सारे क्लाइंट्स का जुड़ना आपके साथ, बहुत मनी गेन होना आपको, ठीक है. वो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं. एंड आपकी तरफ बहुत सारी कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहे, बहुत सारी बातें आप लोग करते हुए दिख रहे हो, सो सॉरी, बहुत सारी बातें आप लोग, बहुत सारी मतलब आपको मैसेजेस क्लाइंट्स की तरफ से हो सकते हैं, चाहे कुछ भी है. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके क्लाइंट्स इंक्रीज होने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड मनीस रिसीव हो करने वाले हो आप. आपने सोचा छोटी सी अमाउंट है बट आपको मिल इतनी बड़ी गई कि आपने सोचा भी नहीं था उतनी मिलने का. ओके, सो यस ये सब चीज़ें आपके लिए दिख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी यहाँ पे आप लोग रिसीव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है. एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एंड ऑफ द मंथ, सॉरी दिसंबर मंथ के लिए क्या एनर्जीज हैं, दिसंबर का महीना आपका कैसा रहने वाला है. ये जो मुझे शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप फ्रीडम चाहते हो. अगर आपको कोई बांध के रखेगा ना तो आप उससे हर्ट हो जाओगे, आपको यहाँ हर्ट होता हुआ दिख रहा है. कोई अगर आपको बांध के रखना चाह रहा है तो आप वहाँ पे हर्ट होते हुए दिख रहे हो. एंड यस आपको चाहिए फ्रीडम, तो फ्रीडम के साथ आप बहुत हैप्पी एनर्जीज में रहने वाले हो. कहीं ना कहीं ट्रैवल करने जाने का सोच रहे थे आप और वो नहीं हो पाए दिसंबर के स्टार्टिंग में, बट एंड तक वो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है. सो ट्रैवलिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है दिसंबर मंथ में, ट्रैवल कर रहे हो कहीं ना कहीं हिली स्टेशन में. हो सकता है आप दिसंबर के ठंड वाले महीने में, ठुर करती ठंड वाले महीने में आप कहीं घूमने जाओगे हिल स्टेशन पे. सो ये सब मुझे चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए. एरीज साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑल्सो, टॉरस और एरीज साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं. और ऑल्सो यहाँ पे सभी के सभी साइंस है, पेंटिकल्स हैं, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, तो ऑफकोर्स सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, तो सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे एनर्जी शो कर रहे हैं. ओके, एंड यहाँ से देख लेते हैं गाइस बाकी मैं ओरेकल्स के थ्रू. ओके, तो एक एक कार्ड लूँगी मैं जस्ट. ओके, अक्टूबर के लिए यहाँ पे रखूँगी, नवंबर फिर दिसंबर, ठीक है. सो क्या एनर्जीज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अक्टूबर के महीने में आपके साथ ये होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप. ओके, ओके, अक्टूबर के महीने में सच में कोई ऑफर आ रही है गाइस, लव ऑफर आपको मिलने वाली है, ठीक है. प्यार भरा तोहफा आपको मिलने वाला है. अक्टूबर का मंथ आपके लिए अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज लव लाइफ के लिए दिखा रहा है. कोई पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन के या अर्थ साइन के, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं आपकी तरफ अक्टूबर मंथ में. ओके, अपना दिल लेके जो भी है यहाँ पे लव लाइफ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है अक्टूबर में. और नवंबर का महीना कैसा रहेगा, जो भी लोग स्टडीज़ का मैसेज आया गाइज एक मुझे, अगर आप लोग अपने करियर के ऊपर स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो तो यस उसमें भी आपको कोई ना कोई ऑफर मिल सकती है. कोई ना कोई ट्यूशन टीचर या ट्यूशन यहाँ पे आप लोग लेते हुए दिख रहे हो. यहाँ पे स्टडीज़ कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़, जैसे मैंने एग्ज़ाम्स का आपको बताया,
तो जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं, नई शुरुआत आप लोग कर रहे हो कहीं ना कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने की. ओके सो यहाँ पे नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है? ओके सो यहाँ पे गाइज जो मुझे दिख रहा है आपकी हीलिंग होते हुए दिख रहा है. एंड गाइज जो भी आवाज़ें आ रही है ना पीछे से, वो अगर आई आपको पीछे से कोई भी आवाज़, तो हमारे यहाँ घर के पास रामलीला हो रही है, ठीक है, दशहरा आ रहा है, दैट्स वाई. सो वो आवाज़ें अब अगर आएंगी तो अब मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ, बिकॉज वो दूर है, हम हमारे घर से पास में ही है बट हाँ 5 मिनट दूर है, तो अब आवाज़ तो आएगी ही इतनी दूर, ठीक है. उन्होंने माइक्स लगाए होते हैं, सो दैट्स वाई, ठीक है. एनीवेज अब मैं आपको बताती हूँ नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा. ये मुझे दिख रहा है आपकी हीलिंग का हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हीलिंग आपकी होते हुए दिख रहे इस मंथ में, ठीक है. आप लोग अपने हाथों से कोई ना कोई काम यहाँ पे करने वाले हो के और वो सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है. दिसंबर मंथ में आपको बैलेंस बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, अपने वर्क, अपने लव लाइफ, अपने करियर, ठीक है, जो भी है यहाँ पे सभी चीज़ों में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है आपको, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो. सो आपको गाइडेंस ही ये गई दी गई है कि बैलेंस बनाओ भाई, ठीक है, ये ना यांग के ऊपर फोकस करो अपने, क्योंकि इनका बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ज़िंदगी उलझ जाती है. इमोशंस और आपका पैशनेट एनर्जीज, उनको कंट्रोल में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ज़्यादा इमोशनल होगे तो रोओगे, अगर आप ज़्यादा ही पैशनेट होगे तो आप अपने नींद, भूख, सब प्यास, सब कुछ भूल जाओगे, है ना, और काम करोगे वो. तो यस, ये सब चीज़ें बहुत कंट्रोल करके ही आगे बढ़ना चाहिए. आपके लिए 45 नंबर, 9 नंबर, 51, 6, 22, 4 या फिर 23 और 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ऑल्सो ऑल टाइड अप जो ओवरऑल इन तीनों महीनों में हैं वो ये है कि कुछ ऐसा होने वाला जो डिस्टेंट है, सब कुछ बंधा हुआ है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे छुपी नहीं है, ठीक है. सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहे हैं. बाकी मैं आपके लिए लास्ट में गाइडेंस देख लेती हूँ. ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने वाला है? सो नेक्स्ट जो अक्टूबर का महीना है वो कैसा रहेगा फर्स्ट पाइल के लिए? ओके, ओ माय गॉड, वाओ, भगवान कृष्ण यहाँ पे आपको आशीर्वाद देने आ चुके हैं. गाइस आपको लॉर्ड कृष्णा ये बोलना चाहते हैं कि डिवोशन शो करो गाइस, ट्रस्ट करो अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर, जो भी आपको दी जा रही है इस टाइम पे उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो. आपकी जो कमिटमेंट है ना वो रिकॉग्नाइज की जा रही है, आप को बहुत अनकंडीशनली यहाँ पे लव भेजा जा रहा है भगवान कृष्ण की तरफ से अक्टूबर मंथ में. और यस, यहाँ पे वृंदावन सुनाई दे रहा है, जो भी लोग वृंदावन जाना चाहते हैं इस 10वें महीने में, यस आपके लिए यस है, जा सकते हो आप, ठीक है. और भगवान कृष्ण की भक्ति करो, जो भी भक्त है ना भगवान कृष्ण के, उनके लिए मैसेज है कि भाई बहुत अच्छा रहने वाला है आपका अक्टूबर मंथ, और आपको करने की क्या जरूरत है, अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट, विश्वास रखने की. और नवंबर आप हायर लर्निंग की तरफ जा सकते हो, आपको अभी और कुछ चीज़ें सीखने बाकी हैं, आप एक्सपीरियंसेस से लर्न कर रहे हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप देख रहे हो और लर्न कर रहे हो. आपको कहा जा रहा है मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर टू फर्दर प्रोग्रेस. ओके, अभी और आगे प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है यहाँ पे. और यस, लास्ट में हम देख लेते हैं आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा. उससे पहले रीडिंग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दो. के अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है यही क्वेश्चन के रिगार्डिंग, चाहे लव, मनी, करियर, मैरिज, सो गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग ऊपर अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो. एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग बुक करवाई है. ओके, सो आपकी रीडिंग वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको मिल जाएगी. ओके, सो यस, कमांडर अस्तर है यहाँ पे. सो आपको कहा जा रहा है कॉल टू एक्शन. ओके, सो एक्शन लीजिए गाइज, चार्ज लीजिए अपनी ज़िंदगी का. यहाँ पे दिसंबर में तो यही आपको बोला जा रहा है, एक्शन लो एंड अपनी लाइफ का चार्ज लो, लीड करो एज अ एग्जाम्पल लोगों के सामने, वॉक योर टॉक. ओके, एंड यहाँ पे सारेपिस भी हैं, सेशन की एनर्जीज हैं, इनफिनाइट अबंडेंस यहाँ दिख रही है मुझे. मूव करने के लिए कहा जा रहा है आपको अपनी ट्रू सेल्फ की तरफ. ओके, एंड आपको बोला जा रहा है राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. ओके,
डार्कनेस से ऊपर उठी है, लाइट रोशनी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। स्नेक्स बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, बैलेंस एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। ओके सो एनीवेज गाइस, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, बाय। सो हेलो एवरीवन गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे, कैसे आप सभी लोग। सेकेंड पाल गाइस, अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, तो आपके लिए सेकेंड पाल थी। ओके सो देख लेते हैं, और या फिर आपने वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन कार्ड को पिक किया है, तो देख लेते हैं गाइज आपके लिए जो 3 मंथ्स हैं ये कैसे रहने वाले हैं आने वाले 3 महीने। ओके मीन्स अक्टूबर मंथ तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो अक्टूबर भी बीच में आएगा और नवंबर और दिसंबर भी बीच में आएंगे, ठीक है। सो यस, कैसे रहेंगे ये जो 3 महीने हैं आपके लिए। ओके सबसे पहली चीज़ तो गाइस, यहाँ पे मेन एनर्जीज ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बनकर आ चुकी हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग तो यही है तीनों के तीनों महीने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अर्न करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी अर्निंग्स में जा रहा है, प्रॉफिट्स आपको होते हुए दिख रहे हैं आपके बिजनेस में। ओके आपका यहाँ पे करियर बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करने वाला है। आपके इंट्यूशन भी आपको ये सब चीज़ें बताएगी, अगर आपको नहीं पता इंट्यूशन कैसे होती है, सो ऑफ कोर्स आपको पहले ही पता चल जाता है ये मेरे साथ होने वाला है। ओके यहाँ पे ब्लैक कैट या ब्लैक डॉग आप फॉर बेबी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, आने वाले समय में। ये जो 3 महीने हैं गाइस, ये महीने आपके फाइनेंसिस के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले करने वाली है। ओके यहाँ पे कैट, ब्लैक कैट यहाँ पे एनर्जीज आई हैं आपके लिए। सो ब्लैक कैट तो यही शो करती है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंट्यूशन बहुत हाई है गाइज आपकी, ठीक है। ये विचेस ही, वैसे विचेस विचेस ही रखती हैं इनको, ठीक है। सो एनीवेज यहाँ पे मतलब मैं ऐसे बोलूँगी तो नहीं, बहुत लोग कैट्स रखते हैं, ठीक है, बट हाँ जिनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है ना उनको कैट्स, और क्योंकि कैट्स की भी इंट्यूशन बहुत हाई होती है, ठीक है। सो वैसे ये लॉजिक तो नहीं बनता, बट हाँ कैट्स उनके पास ज़रूर होती हैं, ब्लैक कैट तो ज़रूर ज़रूर। ओके तो एनीवेज यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग वाइट कैट्स, ब्राउन कैट, ठीक है, ब्लैक कैट बहुत लोग रखते हैं, ठीक है। सो यस, हमारे पास जैसे गब्बर है तो वो ब्लैक है, फुल ब्लैक। ओके सो वो ब्लैक डॉग है, ठीक है, हमारे पास। सो एनीवेज यहाँ पे आपके लिए 42 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके सो यस, मैं पहले तो यहाँ से देखूँगी कौन सा हाउस जो डेक साइन आपके लिए कौन सा प्लैनेट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इस अक्टूबर। पहले तो मैं 3 कार्ड लूँगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के रिगार्डिंग। ओके आप फर्स्ट पाइल पहले चेक करके आओ, ठीक है, उसमें कैसे लिया गया है, देन सेकंड पाइल चाहे अपनी इजीली देख लेना, या फिर आप थोड़ा ठहरिए, ठीक है, धीरे धीरे आपके सामने कार्ड्स खुलेंगे। सो यस, अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। ओ माई गॉड गाइज, आप फर्स्ट पाइल जाके मैंने बोला देखना है ज़रा, एक्वेरियस ही आया वहाँ पे अक्टूबर के लिए, सबके लिए एक्वेरियस कैसे हो सकता है, सभी लोग फ़ोन पे ही हैं क्या, बैठे हुए रील्स बनाने में लगे हुए हैं, वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं, फेमस होने के पीछे लगे हुए हैं कि इस महीने फेमस हो जाएंगे हम सब लोग। तो यस, शायद हो सकता है सभी लोग ये सब चीज़ें करें, वैसे फेस्टिव सीज़न है, सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यू क्लॉथ्स पहनने वाले हैं, तो अक्टूबर का महीना तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। इन्जॉय कर रहे हो, फ्रीडम लविंग बनते हुए दिख रहे हो। अगर वैसे भी फ्रीडम लविंग हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं, रिबीलियस एनर्जीज आते हुए दिख रही हैं आपके लिए, एंड आइडियलिस्टिक बहुत सारे आइडियाज़ आपको इस मंथ में आने वाले हैं। अक्टूबर में न्यू आइडियाज़ आप लोग जनरेट करने वाले हो अपनी माइंड में, चाहे वर्क एरिया के लिए, चाहे खुद की ब्यूटिफिकेशन के लिए ही हैं वो सब चीज़ें। ओके एंड टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग यूज़ करने वाले, लाइक फ़ोन्स, कैमराज एंड ऑल दैट। ओके कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सो एडिटिंग के लिए भी तो चलेगा ना सब कुछ, तो यस। सो आपके लिए यहाँ पे द वेस्ट्रा गॉडसेज आई हैं। ओके सो ये आपको कहना चाहती हैं नवंबर मंथ के लिए कि गॉडसेज विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी।
सो आई थिंक ये केतु की एनर्जीज हैं. ओके, केतु मुझे यहाँ पे सुन रहा है, केतु केतु केतु. तो ये केतु की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं, बिकॉज वेस्ट्रा गॉडसेस केतु को ही शो कर रही हैं मुझे. आपका अंतर मन क्या कहता है, आपका अंतर ध्यान आप जब लगाते हो तो आपके अंदर की गॉडसेस आपको क्या मैसेज देती हैं. आपके सेक्रेट्स, योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी. आई थिंक आपका जो अंतर मन है वही आपका सेंट्रल सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर है. ठीक है, मीन्स आपका अंतर मन ही भगवान का स्पिरिचुअल सेंटर है. ओके, एंड यस, क्वाइट डिग्निटी की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं. सो डेफिनेटली गाइस, नवंबर मंथ बहुत स्पिरिचुअल रहने वाला है आपके लिए. बहुत धार्मिक थॉट्स, बहुत धार्मिक बातें आप लोग करने वाले हो. ऐसे लोगों से आपकी मीटिंग हो सकती है जो कि बहुत धार्मिक है नवंबर के महीने में. ओके, सो यस, पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है मुझे. सो यस, दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए. ओके, वाओ, द मून कार्ड की एनर्जीज है. कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूशन आपकी हाई हो रही है दिसंबर के महीने में. मून साइकल्स आपको बहुत इफेक्ट करने वाले हैं दिसंबर मंथ में. और यस, आप योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस, सो मून से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं. मिररिंग एनर्जीज भी मून से ही देखी जाती हैं. सो बहुत सारे लोगों के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो भी वही सब सोच रहे जैसा आप सोच रहे हो. अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो सो यस, वो लोग भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हैं मुझे. आपके अनकॉन्शियस जो बातें, आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रह दिख रहा है. आपकी सेंसिटिविटी, आप कितने इमोशनली कंट्रोल्ड इंसान हो, कितने सेंसिटिव हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे. और ऑल्सो आपके इनर इमोशंस, अंदर के आपके इमोशंस, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे. एंड ऑल्सो आप उनको कैसे रिस्पॉन्स करते हो. ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, मतलब आप किसी चीज़ को देखकर कैसा फील करते हो, कैसे बिहेव करते हो उस टाइम, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है दिसंबर मंथ में. ओके, ओवरऑल मंथ्स में कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट गाइस. मरकरी है यहाँ पे, कम्युनिकेशन यहाँ पे ज़रूरी दिख रही है तीनों महीनों में ही. चाहे जैसे भी करके, चाहे अंतर मन से बातें हैं, चाहे बाहर सबके साथ 3D वर्ड में बातें हैं. ठीक है, सो ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं. बाकी इसको मैं उठा लेती हूँ क्योंकि टैरो के थ्रू लेना है फिर एनर्जीज, है ना. सो यस गाइस, टैरो के थ्रू देख लेते हैं. सबसे पहले तो मैं यहाँ दो कार्ड्स लूंगी, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर. ओके, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं ओवरऑल. अक्टूबर का महीना पहले कैसा दिख रहा है ये भी देख लेते हैं ना. सो अक्टूबर मंथ कैसा दिख रहा है. वेट अ मिनट गाइस, मुझे शफल करना पड़ेगा इसको क्योंकि फर्स्ट पाइल के कार्ड्स फिर आ जाएंगे ना. फिर वेट अ मिनट, अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा दिख रहा है. ओके, ओके, सो यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के एनर्जीज हैं. ओके, अक्टूबर का मंथ यहाँ पे है गाइस, हाई प्रिस्टेस. सो नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है ये भी देख लेते हैं. ओके, किंग ऑफ कप्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे. तभी यहाँ पे केतु हैं, यहाँ पे आपके अंतर मन की बातें सुनने के लिए नवंबर में आपको बोला गया है. तभी यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं आता, हर एक चीज़ का रीज़न होता है. सो दिसंबर मंथ कैसा रहेगा गाइज ये भी देख लेते हैं हम आपके लिए. टावर का और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ दिसंबर मंथ में. थ्री ऑफ कप्स और वो पॉजिटिव ही है. ओके, डोंट वरी. बॉटम ऑफ डेक द डेविल कार्ड है, मिडिल एनर्जीज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे. ओके, सी दिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे जस्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है. तो ये तो मतलब क्या ही बताऊँ, है ना, एकदम से पॉजिटिव कार्ड्स है यहाँ पे सी दिस. सो यहाँ पे क्या होने वाला है, ओवरऑल जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं,
आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो और उसमें बहुत ज़्यादा सेंशुअल एंड सेक्शुअल पावर्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं 3 महीनों में। बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी आते हुए दिख रहे हैं बट पॉजिटिविटी भी दिख रही है। ओके एंड यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है स्कॉर्पियो साइन और कैप्रिकॉर्न साइन इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। पाइसेस साइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड सो यहाँ जो मुझे दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो, किसी चीज़ को पाना है मुझे, मतलब आप फुली स्ट्रिक्ट हो। ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है या किसी भी वाइज, बट हाँ उस चीज़ को चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं आपके लिए। ओके आपको, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे दिख रहे हो कि यस वो चाहिए तो चाहिए। यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं ओके आपके लिए। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, सॉरी अक्टूबर मंथ तक ऐसा रहने वाला ये दिख रहा है मुझे कि आप लोग कहीं ना कहीं हर्ट हो बट हाँ हील हो रहे हो उस चीज़ से, और अपनी इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हो, आपके अंतर मन का यूज़ कर रहे हो कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। अक्टूबर का महीना ऐसा ही रहने वाला है आपका, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कुछ हर्ट कर सकते हैं बट हाँ ये मंथ हीलिंग का भी है। पास्ट में कुछ हर्ट किया है, सितंबर अगस्त में किसी चीज़ ने आपको, उस चीज़ से आप हील होते हुए दिख रहे हो कि, और आपके इंट्यूशन का बहुत अच्छे से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। कोई ऑप्शन भी चूज़ करनी है उसके लिए भी आप अपने इंट्यूशन का ही यूज़ कर रहे हो अक्टूबर मंथ में, ठीक है। जस्टिस लवर बनते हुए दिख रहे हो मुझे आप लोग। ओके पाइसेस साइन और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके सो यस नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, ये है किंग ऑफ कप्स और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें हैं बट हाँ कुछ चीज़ें आपको डरा सकती हैं, आप डर रहे हो किसी चीज़ से, मुझे ऐसा भी दिख रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स से। कहीं ना कहीं आप लोग डर रहे हो, आपके मन में टेंशन है, स्ट्रेस है, रातों की नींद उड़ी हुई है नवंबर में आपकी, आपके रिलेशनशिप की वजह से। बट हाँ पर्स आपके पार्टनर की तरफ से तो आपको फुल लव केयर अफेक्शन मिलने वाले है। कहीं ना कहीं अकेलापन फील हो सकता है आपको इस नवंबर मंथ में। ओके या रात को नींद नहीं आ रही रिलेशनशिप की वजह से, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। बट हाँ पर्सन से, आपके पार्टनर से आपको लव केयर अफेक्शन अगर चाहिए वो मिलते हुए दिख रही है। ओके सो डोंट वरी। आपके लिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नवंबर मंथ के लिए। सो दिसंबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। ओके सो यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि ब्लेसिंग मैंने इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की एनर्जीज है यहाँ पे। ओके सो अब मैं स्कॉर्पियो और यस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस राशि इंपॉर्टेंट होती है, मैं एनर्जीज चेकआउट कर लेती हूँ आपके लिए क्या है। हर एक मंथ के लिए एक कार्ड निकालूंगी मैं, ठीक है। इससे अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। सो यहाँ पे गाइस आर्के एंजल माइकल आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है, 11-11 आपको बहुत दिख सकता है अक्टूबर मंथ में। और यस आपके लिए कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है आपके रूट चक्रा के ऊपर बेस्ड चीज़ें यहाँ पे आपकी तरफ आ रही है, लाइक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आप लोग फील करने वाले, फाइनेंसिस आपकी तरफ आ रहे हैं। और आप देखना जाके सेम टू सेम नवंबर मंथ के लिए सभी लोग हीलिंग कर रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करिए, जो भी ये हर्ट है उससे बाहर निकले, हीलिंग के ऊपर फोकस करिए गाइज। ओके सो यस ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। और दिसंबर का महीना यहाँ पे आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ही बोला जा रहा है। आई थिंक फर्स्ट पायल में आया था यनर यांग यहाँ पे, और यहाँ पे आ चुका है ये। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने लव फीलिंग्स को यहाँ पे कंट्रोल करके आपको रखना है। सेक्रल चक्रा है ये आपका, कि आर्केंजल एरियल उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो डोंट वरी, जो आपके लिए कलेक्टिव एनर्जीज आई हैं 3 महीनों की वो ये है कि थिंकिंग वुमेन की एनर्जीज हैं। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइज, आपको कहा जा रहा है इतनी ओवर थिंकिंग इज मतलब आपके लिए ज़रूरी ही नहीं, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके एंड यस आपके लिए ज़रूरी है इन्हें, अपने स्टडी के ऊपर फोकस करो, रिलैक्स करो, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपको सोचना पड़ रहा है। बट हाँ ओवर थिंकिंग ना ही करो तो अच्छा है। 35 नंबर, 51, 6, 8, 36, 9, 47 या फिर 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके सो यहाँ मैं गाइडेंस देख लेती हूँ रीडिंग खत्म करने से पहले सभी मंथ्स के लिए के कार्ड। सो
सो अगर आप न्यू हो चैनल पे तो रीडिंग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना इस रीडिंग को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम्स टाइम्स के जस्ट ऊपर, या फिर आप लोग ऊपर अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो। ओके, सो अक्टूबर का महीना तो आपके लिए कॉस्मिक गेटवे ओपन हो रहे हैं गाइस। थॉट्स आपके मैग्नेटिक बनते हुए दिख रहे हैं, फुल पावर आपकी माइंड में रहने वाली है, जो सोचोगे वो हो जाएगा अक्टूबर में। ओके, अगर आप सोच रहे हो आप बहुत रिच बनने वाले हो अक्टूबर में, बन जाओगे गाइस, आपको उतनी अमाउंट मिलेगी जितनी आपने कभी देखी ना हो। ओके, सो यस, मिरेकल्स चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, सो नवंबर मंथ आपको कहना चाहते हैं आपके कर्मा को आप रिलीज कर रहे हो, आपके पास लाइफ के कुछ कर्म हो सकते हैं जो यहाँ पे हैं दिख रहे हैं, सो आप उनसे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, मूव बियॉन्ड ड्रामा एंड आप अपना खुद का फिर पाथ क्रिएट करने वाले हो। एंड यस, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज एंड अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज करके, कर्मास को रिलीज करके देन पॉजिटिव एनर्जी से यहाँ पे आप लोग लेके आते हुए दिख रहे हो। और अब दिसंबर का महीना क्या लेके आ रहा है, सो प्रेयर्स करो गाइस भगवान के आगे, चैरिटी करो थोड़ी, ठीक है, कनेक्ट करो हेवन के साथ, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सो जो भी मांगोगे वो सब चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रही हैं, वो मिलेंगी आपको। ओके, एंड यस दिसंबर मंथ में, एंड यस ये ओवरऑल तीनों महीनों में ग्रेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो, शेयर करने के लिए बोला जा रहा है अपने गिफ्ट्स को ग्रेस के साथ आपको। ओके, एंड जो प्यार है, जो इंस्पिरेशन है, उसकी वेव्स यहाँ पे आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। ओके, सो एनीवेज गाइस, लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे सेट कर देना। अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे, गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, बाय गाइस।